डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट उसका असली नाम क्या है? डेफिनेट डेफिनेट का असली नाम क्या है? डेफिनेट का असली नाम डेफिनेट है और क्या है? ए गुड्डू डेफिनेट का असली नाम क्या है? डेफिनेट ही है भैया। हाँ और क्या? अबे डेफिनेट से पहले कुछ तो नाम रखे होंगे अब्बू, जैसे परपेंडिकुलर का नाम बबुआ था। भैया हमको तो डेफिनेट ही मालूम है। हाँ तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट होता है उसी को डेफिनेट कहते हैं। अब तो डेफिनेट क्या होता है भैया? डेफ का मतलब तो बहरा होता है। हाँ और नेट का मतलब जाली। अरे संसार क्या है? संसार क्या है? नहीं पता वो कहीं सीक्वेंस का आइडिया एक्चुअली स्क्रिप्ट में भी नहीं था, अनुराग सर के उस टाइम पे दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा कुछ चेस सीक्वेंस होगा, मगर जिस दौरान हम लोग शूट कर रहे थे उस टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, निकलना कहीं और था। राजकुमार जो कि शमशाद का रोल प्ले कर रहे हैं वो मुझे कहीं किसी और तरफ भगाते, मैं कहीं और भागता, मगर चूंकि दोनों ही कैरेक्टर में थे तो बिना ये सोचे समझे कि टेक्निकली हम लोग कहाँ भागना है, हम दोनों रुकने अपने कैरेक्टर में रहते भी इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ये रोल कर रहा है या नहीं तू? लोग हंसते हंसते पागल हो गए, इवन अनुराग सर, और तब उन्होंने वहीं पर डिसीजन लिया कि अभी इसका चीज सीक्वेंस एक बनेगा। जो हमारे सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे श्लोक शर्मा, उनको 3 दिन का टाइम मिला था, बहुत कम क्रू था, एक्टर्स वैक्टर्स को मिला के हम लोग 10-12 लोग थे, तो हम लोग गुरिल्ला टाइप शूट कर रहे थे, कहीं पे भी श्लोक शर्मा छत वत पे चढ़ करके चढ़ जाते थे, कैमरा वैमरा लगा लेते थे और हमें बोल देते थे आप दूर चले जाओ, वहाँ से मैं वॉकी टॉकी पे बोलूँगा या मोबाइल पे बोलूँगा तो आप लोग भागाना शुरू करना। तो हम ऐसा सोचते थे यार ये पता नहीं कैमरा इन्होंने लगा कहाँ रखा है, क्योंकि एक्टर की निगाहें हमेशा कैमरे की तरफ भागती है, मगर कैमरा कहीं पर दिखता ही नहीं था हमें। एक दो जगह पर ऐसा हुआ कि हमें ट्रैफिक यूज़ करना था, अब ट्रैफिक वहाँ पर यूज़ करना है मगर जिस रोड पर ट्रैफिक जैम होती थी हम वहाँ पर गए, टाइम कम था हमारे पास और ट्रैफिक जैम हो ही नहीं रहा था, तो उस ट्रैफिक जैम को हमने लगवाया, बीच में कार घुसवा के किसी हिसाब से ऐसा कर दिया कि वहाँ पे ट्रैफिक अपने आप क्रिएट हो गया, ट्रैफिक जैम क्रिएट हो गया, ट्रैफिक जैम क्रिएट हुआ तब जाके वो शॉट पूरा हुआ। तो नवाब स्कूटर चलाते रहते हैं तो मेरे बाइक की पेट्रोल ख़त्म होती तो इत्तफाक से उनके भी स्कूटर की पेट्रोल ख़त्म हो जाती है और हम दोनों की फिर एक बार पेट्रोल पंप पे मिलन होता है। पेट्रोल पंप पे खड़ा है हाजिरी तेज बोलो। अरे डेफिनेट हमारे सामने खड़ा है पेट्रोल पंप में। कौन 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 सा पेट्रोल पंप? नए बाजार वाले दो बंदूक दिखा रहे हैं। ये मारा चुप की बंदूक पर गोली नहीं है तो तुम भाई देखो तुम पकड़े रखो मारा तो कार मेरे हाथ में चुकी बंदूक है जो कि अटकी पड़ी है, मगर उनको शायद पता नहीं था कि वो बंदूक अटका पड़ा है, तो वो भी डर से मुझे हाथ नहीं लगा रहे थे। और फिर मुझे मौका मिलता है मैं फिर वहाँ से भागता हूँ, ये फिर दौड़ाना शुरू करते हैं, बाइक वाइक छोड़ के मैं रेलवे ट्रैक पे भागना शुरू करता हूँ, ये भी स्कूटर स्कूटर छोड़ के मेरे पीछे ऊपर चढ़ जाते हैं, रेलवे ट्रैक पे भागना शुरू करते हैं। ट्रेन सीक्वेंस का जो सीन है वो शूट किया गया था मिर्ज़ापुर में, हम लोग सारे लोग पहुँचे मिर्ज़ापुर में उस टाइम पे, ये सीन जो है वो अनुराग सर खुद ही डायरेक्ट कर रहे थे, मुझे सब कुछ अनुराग सर ने आके बताया कि इस तरह से भागना है और ऐसे चढ़ना है और ऊपर चढ़ने के बाद ये चीज़ें करनी। मैंने बोला हाँ हाँ, तो हाँ हाँ करने की मेरी एक बहुत गंदी आदत है जिसपे सर बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं कि पहले समझा कर मैं क्या बोल रहा हूँ तुरंत हाँ हाँ कर देता है। तो उसके बाद मैंने बोला हाँ ठीक है। ट्रेन के राइट हैंड साइड से पे भागना था मुझे ट्रैक पे, और ट्रैक के बगल में एक नाला था जिस नाले पे लगातार से स्लेब्स थे, तो मुझे स्लेब्स दिख रहे थे कि हाँ स्लेब हैं और मुझे भागना है, तो मैं भागते 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 पकड़ता था और चढ़ने की कोशिश करता था। तो तीसरे या चौथे टेक में ऐसा हुआ कि मैं दौड़ रहा था, दौड़ते 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 जैसे मैंने वहाँ पर रॉड पकड़ा ट्रेन का, उतने में ही जो नाले पे मैं दौड़ रहा था और स्लिप्स थे वो स्लिप्स ख़त्म हो गए और हाथ छूट गया, चूँकि पूरा स्वेट कर रहा था हाथ, और सीधा नाले के अंदर, और वो भी नाला मेरे ख्याल से 4-4.5 फीट का था जो मैं आधा अंदर गया और आधा रुक गया और चीखें निकल गई थी लोगों की। अनुराग सर तो बिल्कुल ही अपसेट हो गए थे, सबका मूड ख़राब हो गया था। विनीत जो है वो पीछे वाले दरवाजे पे खड़े थे, जिस दरवाजे पे कैमरा लगा था उसके पीछे खड़े थे, तो वो पीछे दरवाजे पे तुरंत ही कूदे और आकर के उन्होंने मुझे पकड़ा, हालांकि हुआ कुछ नहीं, बच गया मैं। फिर मैंने खुद भी बोला कि नहीं नहीं चलो कोई नहीं, हाथ स्लिप हो गया कुछ नहीं। तो फिर दूसरे तीसरे टेक में ये जाके सीन पूरा हुआ।